नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर हैं और आगामी 13 फरवरी को उनका संभावित भागलपुर दौरा भी है, जहां वे एक कार्यक्रम में जनता से रूबरू होंगे। वहीं मुख्यमंत्री के आगमन से जिले के अधिकारी काफी अलर्ट है, जबकि सीएम के आने से पूर्व सभी सरकारी योजनाओं को जगह जगह शिविर लगाकर जनता तक पहुँचाया जा रहा है। वहीं इस कार्य से आम लोग जहाँ एक तरफ काफी खुश हैं, जबकि दूसरी ओर आनन फानन में हो रहे विकास कार्य पर कई लोग सवाल भी खड़े कर रहे हैं। इसको लेकर लोगों का कहना है कि राशन कार्ड का मसला हो या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना या फिर कोई अन्य समस्या, सभी समस्याओं को लेकर उन्हें सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाते लगाते जूते खिंच जाते हैं। लेकिन सरकारी दफ्तरों में बिना पैसे लिए कोई काम नहीं होता है, जबकि दफ्तरों में आराम फरमाने वाले अधिकारी के कान पर जू तक नहीं रेंगती। ग्रामीणों ने कहा कि मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर ही तमाम अधिकारी सक्रिय हुए हैं, नहीं तो पूरा सिस्टम सिर्फ लिपापोती करने में लगा रहता है। हालांकि सीएम के इस दौरे से लोगों के बीच आशा की किरण भी नजर आ रही है, जिसमें उनके तमाम लंबित कार्य पूरे होने की संभावना बढ़ गई है। न्यू राशन कार्ड अप्लाई करने के लिए आए हैं, कब से प्रयास कर रहे हैं? काफी 6-7 साल से प्रयास कर रहे हैं। 6-7 साल से काम नहीं हुआ सर, आज हो रहा है अचानक से। अचानक से हो रहा है, सुन रहे हैं कि नीतीश कुमार जी 13 फरवरी को आ रहे हैं, तो इस कारण से यहाँ कैंप लगा गया है। जिसका पुराना छुटा हुआ है उनका हो रहा है, नए वाले को भी दिया गया करने के लिए कि आप लोग भी आके ज्वाइनिंग हो जाइए। लोगों का जो देखिए लोक सेवा अधिकार अधिनियम है, RTPS जिसको साधारण भाषा में बोलते हैं, RTPS काउंटर पे आप ऑनलाइन भी दे सकते हैं, जरूरी नहीं कि शिविर में ही देना है। और आपका अगर समय सीमा में निष्पादन नहीं हो रहा आवेदन, चाहे वो राशन कार्ड हो या आपका अन्य कोई शिकायत हो जो कि समय सीमा में होना चाहिए, पानी का कनेक्शन हो, तो आपको जो है जो लोक शिकायत सेवा का जो शिकायत निवारण अधिनियम है उसमें भी आवेदन, जिसको PGRO सुनवाई करते हैं उसमें भी आवेदन डालना चाहिए। उसमें आमने सामने सुनवाई करके 2 महीने में आदेश पारित किया जाता है, तो वो भी ऑनलाइन लोग जो है परिवाद उसमें भी डाल सकते हैं। तो ये सारी व्यवस्थाएं पहले से चल रही हैं, 5-6 साल से PGRO वाला सिस्टम भी चल रहा है और RTPS तो 2011 से चल रहा है, तो ये सारी सुविधा है। अभी जैसी आवश्यकता होगी हम लोग और लगा देंगे। भागलपुर जगदीशपुर प्रखंड के खिरीबान पंचायत अंतर्गत साहलेपुर गांव में आगामी 13 फरवरी को मुख्यमंत्री के संभावित भागलपुर आगमन को लेकर गुरुवार को जिला प्रशासन की ओर से समाधान विकास शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान साहलेपुर गांव में विभिन्न विभागों के कार्यों के निपटारा के लिए अलग अलग काउंटर बनाया गया था, जहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना, वृद्ध आश्रय स्थल, मनरेगा, कृषि विभाग, शिक्षा, पक्की नाली, गली योजना और पेयजल की समस्या के अलावा विभिन्न योजनाओं से संबंधित कार्यों का निपटारा किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने शिविर का जायजा लेकर लोगों की समस्या सुनी और विभिन्न कार्यों की मॉनिटरिंग कर उसका निपटारा भी किया। मौके पर भागलपुर DDC कुमार अनुराग, SDM धनंजय कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी और मनरेगा के PO समेत कई वरीय अधिकारी एवं काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। देखिए शिकायत निवारण के लिए बहुत सारे प्रावधान पहले से ही बने हुए हैं, जैसे जनता दरबार होता है, जैसे शुक्रवार को DM का जनता दरबार होता है जिसमें लोग आते हैं। इसके अलावा अन्य दिनों में भी जब ऑफिस में बैठे होते हैं तो सभी पदाधिकारियों से जो भी आगंतुक हैं आकर के मिल सकते हैं। इसके अलावा लोक शिकायत निवारण है, इसमें 60 दिनों के अंतर्गत जो लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी हैं उनको शिकायत का निपटारा करना होता है। इसके बाद अपील का प्रोविज़न है, द्वितीय अपील का फाइन भी लगता है, तो इन सब का जो है लोग उपयोग करते हैं और इससे काफी शिकायतें जो है उनका निष्पादन भी होता है और लोगों को करना भी चाहिए कहीं कोई समय। बिहार बोर्ड की ओर से आयोजित इंटरमीडिएट परीक्षा के दूसरे दिन जिले के सभी 50 एग्जामिनेशन सेंटर पर छात्र छात्राओं ने पहली पाली में भौतिकी विषय की परीक्षा दी, जबकि दूसरी पाली की परीक्षा में परीक्षार्थियों ने कला के अंग्रेजी विषय की परीक्षा दी। वहीं इसको लेकर परीक्षा का निरीक्षण करने जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन भी कई सेंटरों पर पहुंचे। जिलाधिकारी ने मिर्जानहाट स्थित SM बालिका इंटर विद्यालय पहुंचकर परीक्षा का जायजा लिया और अधिकारियों के साथ केंद्राधीक्षक को कदाचार मुक्त परीक्षा कराने को लेकर कई दिशा निर्देश भी दिए। इसके अलावा बच्चों को परीक्षा देने में कोई परेशानी नहीं हो इसको लेकर भी DM ने कई दिशा निर्देश दिया। वहीं इसको लेकर सभी सेंटरों पर पहले दिन की तरह ही गाइडलाइन का पालन कराया गया, जिसमें किसी को भी मोबाइल, कैलकुलेटर या किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण साथ ले जाने की अनुमति नहीं दी गई। इधर शहर की राजकीय बालिका इंटर
स्तरीय विद्यालय सरयू देवी मोहन लाल हाई स्कूल, मोक्षदा इंटर स्तरीय स्कूल मारवाड़ी पाठशाला समेत तमाम परीक्षा केंद्रों पर सुबह के समय परीक्षार्थियों के साथ उनके अभिभावकों की अधिक भीड़ दिखी, जबकि प्रशासन की ओर से भी जगह जगह पुलिस बल की तैनाती की गई थी। वहीं कदाचार मुक्त परीक्षा को लेकर शिक्षा विभाग के अधिकारी और दंडाधिकारी भी परीक्षा केंद्रों की निगरानी करते रहे। शुक्रवार को पहली पाली में रसायन शास्त्र और दूसरी पाली में भूगोल की परीक्षा होगी। नवगछिया के इस्माइलपुर प्रखंड स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय में पठन पाठन की व्यवस्था पूरी तरह से नदारद है। इसको लेकर ग्रामीणों द्वारा भागलपुर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन को एक लिखित आवेदन भी दिया गया है, जिससे यहाँ की व्यवस्था में सुधार हो सके। वहीं इसको लेकर विद्यालय के प्रधानाध्यापक ब्रह्मदेव रविदास ने कहा कि इस विद्यालय में कुल 1300 छात्र छात्राएं नामांकित है, जबकि स्कूल में महज 8 शिक्षक है, जिसके लिए इतनी बड़ी संख्या में बच्चों का गुणवत्तापूर्ण पठन पाठन सुनिश्चित करना काफी मुश्किल है। उन्होंने कहा कि स्कूल में शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए सरकारी अनुपात के अनुसार यहां नामांकित छात्रों के अनुसार 32 शिक्षक होने चाहिए, जिससे शिक्षा में सुधार हो सके। साथ ही कहा कि जिला शिक्षा पदाधिकारी को भी शिक्षकों की कमी को लेकर आवेदन दिया जा चुका है, लेकिन अभी तक इस पर कोई पहल नहीं हुई है। वहीं मिड डे मील की व्यवस्था की भी पर्याप्त नहीं दिखाई दी, जहां बच्चों के लिए भोजन गैस सिलेंडर के बजाय कोयले के चूल्हे पर बनाया जा रहा था, जबकि इस व्यवस्था से ग्रामीण काफी आक्रोशित दिखे। यहाँ क्लास सर 1 से लेकर 12 तक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में एक भी शिक्षक नहीं है, क्योंकि बच्चों की संख्या अधिक है और शिक्षक मात्र सर हमको लगा के 8 शिक्षक हैं। स्टूडेंट की संख्या कितनी? 1300 सर जी। कितने शिक्षक होने चाहिए विद्यालय? शिक्षक होना चाहिए सर 13 अनुपात तो 30 दिया गया था, लेकिन 40 अनुपात उसमें सर सबसे बड़ी बात है सर मिडिल स्कूल में भी एक भी साइंस टीचर नहीं है और मैथ टीचर भी नहीं है। पढ़ाई कैसे होगा जी? तो इसके लिए आपने कभी अपने स्तर से विभागीय स्तर से कहीं आवेदन दिया है? आवेदन दिए थे सर। कहाँ दिए? जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिए थे पहले। कितने दिन पहले दिए थे सर? हो गया कम से कम जिस समय 19 में सर संचालित किए हैं। इस विद्यालय में शिकायत यही है कि यहाँ शिक्षा की व्यवस्था बदतर है, इसलिए कि यहाँ शिक्षकों की कमी है। मैं तो सरकार से यही मांग करता हूं कि यहां शिक्षक दिया जाए, ताकि बच्चों का भविष्य में सुधार आ सके। दूसरा शिकायत ये है कि हमारा स्कूल है, यहां सब कुछ है, इसमें 3 स्कूल शिफ्ट है और 3 स्कूल के चलते इस स्कूल का समझिए तो भाग अभी कुछ छोटा है और इसका जमीन जो है वहां तक है। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क टीवी। नमस्कार। सबकी तरह मैं मेहनत करने से पीछे नहीं हटता, हमारी मेहनत ही हमें जीवन में आगे लेके जाती है, पर कई बीमारियां ऐसी हैं जो हमारे कदम को जिंदगी भर के लिए रोक देती हैं। भारत में सालाना हजारों लोग हाथी पांव नाम की बीमारी की चपेट में आकर जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाते हैं। मलेरिया की तरह ही हाथी पांव एक मच्छर के काटने से फैलता है, और ये याद रखिए कि हाथी पांव का कोई इलाज नहीं है। गांव, शहर, अमीर, गरीब, हर जात और धर्म की रेखा पार कर किसी को भी अपनी जकड़ में ले सकता है हाथी पांव। पर डरे नहीं, इसका बचाव आसान है। साल में सिर्फ एक बार सरकार द्वारा दी हुई मुफ्त दवाएं खाएं और इस बीमारी से अपने आप को और अपने परिवार को बचाएं। याद रखिए, खुशहाल होगा शहर और गांव जब जड़ से मिटेगा हाथी पांव। स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बुधवार को पेश किए गए आम बजट को लेकर भागलपुर सबौर स्थित बिहार कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति और प्रसार शिक्षा निदेशक ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कृषि के क्षेत्र में बेहतर कदम बताया है। बजट को लेकर कुलपति डॉक्टर DR सिंह ने कहा कि कृषि बहुल राज्य को इस बजट से काफ़ी फायदा होगा और यह किसानों के हित में है। कुलपति ने कहा कि 2023 के आम बजट में हरित
हरित खेती और हरित ऊर्जा पर विशेष जोर देने की बात कही गई है, जो किसानों के लिए फायदेमंद हो सकती है। इसके अलावा कृषि संबंधित स्टार्टअप को बढ़ावा देने के साथ डिजिटल एक्सीलेटर फंड भी बनाने की बात बजट में कही गई है। वहीं BAU के प्रसार शिक्षा निदेशक डॉक्टर RK सुहानी ने कहा कि बाढ़ और सुखाड़ जैसी आपदा से ग्रसित बिहार में केंद्र सरकार का ग्रीन बजट फायदेमंद हो सकता है और बिहार सरकार के कृषि रोड मैप और महिला स्वावलंबन में जीविका दीदियों की भूमिका को भी इससे ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। साथ ही कहा कि बिहार राज्य की IFS मॉडल का इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम सिंचाई के लिए किसानों को ज्यादा मजबूती और मुनाफा दे सकता है। डॉक्टर आर के सुहानी ने कहा कि प्रधानमंत्री मत्स्य योजना के लिए 6,000 करोड़ की राशि का प्रावधान करते हुए आम बजट में किसानों के लिए कृषि क्रेडिट कार्ड 20 लाख करोड़ तक बढ़ाने की बात कही गई है। इसके अलावा बजट में मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देने की बात कही गई है। देखिए, इस बजट का जो लार्जर पर्सपेक्टिव है आम जन के लिए है, और आम जन का जीवन सुखमय हो और पर्यावरण अच्छा पर्यावरण मिले, उसके लिए एक अच्छा बजट कह सकते हैं। ऐसा इसलिए कि गवर्नमेंट ने ये इंक्लूसिव बजट निकाला है। इस इंक्लूसिव में बात ध्यान देने की है कि इसमें ट्राइबल्स को भी ध्यान दिया गया है और आपका वोमेंस एम्पावरमेंट की भी ध्यान दी गई है और जो गरीब किसान हैं उनके भी ध्यान दी गई है। और जो ग्रीन बजट की आप बात लेके आ रहे हैं कि भारत सरकार प्राकृतिक खेती के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रही है, ये भविष्य है हमारा। हमको सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के बारे में बात करना है, लेके आना सस्टेनेबल एग्रीकल्चर लेके आना है। ये सरकार का एक अच्छा प्रयास है। इसमें करीब 1 करोड़ किसानों को वो जोड़ रहे हैं प्राकृतिक खेती से। देखिए, बिहार में अभी जहाँ तक है इस बजट के माध्यम से किसानों की आमदनी में इजाफा होने की संभावना है। इसके 2-3 बड़े महत्वपूर्ण विषय हैं कि एक तो हमारा है कि जो आजकल मिलेट्स की हम बात कर रहे हैं, मोटे अनाज की बात कर रहे हैं, और बिहार में इसका एरिया विशेषकर माइनर मिलेट्स का जो कम है, जिसे हमें इस वर्ष बढ़ाने का हमने संकल्प लिया है और इसके लिए हम लोगों ने कार्य योजना तैयार की है और बजट में भी इस पे सभी पर्याप्त राशि का प्रावधान किया गया है। और दूसरा, हम इसमें मोटे अनाजों में ये है प्रयास रहेगा हमारा कि चूंकि इसका वैल्यू एडिशन कुछ प्रोडक्ट्स आने चाहिए, तो प्रोडक्ट्स आएंगे तो उससे किसानों की आय बढ़ेगी, इस पे फोकस है। भागलपुर अखिल भारतीय कानकुब्ज ब्राह्मण विकास संघ के द्वारा भागलपुर के बुढ़ानाथ मंदिर परिसर में 40 ब्राह्मण बटुकों का उपनयन संस्कार कार्यक्रम संपन्न किया गया। गौरतलब हो कि अखिल भारतीय कानकुब्ज ब्राह्मण विकास संघ यह कार्यक्रम 17 वर्षों से लगातार करती आ रही है, जिसमें सामूहिक उपनयन कार्यक्रम किया जाता है और इसमें समाज के कई परिवार सम्मिलित हुए। उपनयन कार्यक्रम के बाद बाबा बुर्देश्वर नाथ से सभी ने आशीर्वाद प्राप्त किया। कार्यक्रम में बिहार के अलावे सिक्किम, कोलकाता, उड़ीसा, बंगाल और अमेरिका से भी लोग भागलपुर के बुढ़ानाथ परिसर पहुंचे थे। मौके पर अखिल भारतीय कानकुंज ब्राह्मण विकास संगठन के अध्यक्ष KN पांडे, संरक्षक सप्त ऋषि पांडे, कार्यकारिणी सदस्य आशा तिवारी पांडे, राहुल तिवारी के अलावे काफी संख्या में लोग मौजूद थे। कोलकाता में सर्विस करता हूँ और भागम भाड़ की जिंदगी में ये हमारा जो समिति जो काम किया है, इससे समिति ओवर हो नहीं सकता। इतने कम खर्चे में, इतने कम टाइम में सभी विधि जो करते हैं, ये जो हमारे मैनेजिंग कमेटी है वो सबसे बड़े धन्यवाद के पात्र हैं जो कर रहे हैं। और भविष्य में मैं भी कोशिश करूंगा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आकर इन लोगों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर करूँ, जो कमिंग जनरेशन में जो हम लोग जो अभाव देख रहे वो नहीं। बिहार लेनिन अमर शहीद जगदीप बाबू की 100वीं जयंती गुरुवार को मनाई गई। इसको लेकर भागलपुर के उर्दू बाजार स्थित राधा कृष्ण ठाकुर बाड़ी परिसर में जिला जनता दल यू कार्यकर्ताओं द्वारा बारी बारी से जगदीप बाबू की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया गया। इस दौरान लोगों ने उनके नक्शे कदम पर चलने की बात कही। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई, जबकि जिला अध्यक्ष विपिन बिहारी, जिला महासचिव शिशुपाल भारती, पूर्व विधायक लक्ष्मीकांत मंडल, डॉक्टर जय शालिनी सिंह समेत काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। आज पूरे बिहार में सभी प्रखंड में सभी जिला में बिहार लेनिन अमर शहीद जगदीप बाबू की जयंती मनाया जा रहा है, जो जनता दल बिहार प्रदेश जनता दल यूनाइटेड के द्वारा आयोजित है। सभी प्रखंड में हम लोग मना रहे हैं
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।